नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। आइए देखते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें। दिल्ली में तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन राष्ट्रपति भवन के एक कार्यक्रम में शामिल हुई। यूएन में इजराइल के स्थायी प्रतिनिधि हमास के हमले पर बोले, यह हमारे लिए 9/11 जैसा। महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाई एक्टर शाहरुख खान की सुरक्षा, अब मिलेगा वाई प्लस सिक्योरिटी कवर। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का आज होगा ऐलान। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इजराइल पर हमले के बाद फिलिस्तीन को दी बधाई। एशियाई खेलों में पदक जीतने के बाद वतन लौटे खिलाड़ी, दिल्ली हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत। एसीबी कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू की जमानत पर आदेश सुरक्षित रखा, आज आएगा फैसला। कांग्रेस आज जारी कर सकती है विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पूरी सूची। फिलिस्तीन के समर्थन में एएमयू छात्रों ने कैंपस में किया प्रदर्शन, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।